हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मेरी जो गाड़ी का जो पीपीएफ है वो शेड उसमें आ गया है येलो, जो मैंने ऊपर रैपिंग की थी उसकी वजह से। तो आज मैं आया हूँ लूमार, और लूमार से देखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं इसका सब्सिट्यूट। तो दोस्तों, मैं अभी लूमार में जो इनका रिप्रेजेंटेटिव है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, उसने गाड़ी को इंस्पेक्ट किया और उसने बोला कि इसको अभी फिलहाल रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी सर्विस जो है इसकी पॉलिशिंग ड्यू होगी, आप उस वक्त आइएगा। उस वक्त अगर पॉलिशिंग में अगर इसका रिजल्ट सही आया तो हम इसको सेम ही रखेंगे, नहीं तो फिर हम इसको रिप्लेस कर देंगे। उसने कहा फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा अभी हम आगे चलते हैं, अभी एक छोटा सा काम है और उस काम के बाद देखते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम बनता है, वो मैं साथ साथ आपको दिखाता चलूंगा। तो स्टे ट्यून्ड। दोस्तों, सारे कामों से मैं फ्री हो गया था, इस टाइम शाम हो गई है, तो मैंने कहा कि आपको मैं पूरी एक कहानी क्या स्टोरी दिखाता हुआ चलूं। तो खैर, सारे कामों से फ्री होकर मैंने कहा कि फ्री होकर फिर जो स्पेशल चीज़ है वो मैं आपको दिखाऊं इस ब्लॉग के अंदर। तो अब हम जा रहे हैं, एक नई चीज़ आई है मार्केट में। बेसिकली जो नई चीज़ है वो है एक आइसक्रीम, जो कि फिलिपीन और कोरियन का टेस्ट मिक्स होकर जो है वो आइसक्रीम मार्केट में पेश की जा रही है। तो हम भी एक्सपीरियंस करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो स्टे ट्यून्ड। हम जी आए हैं किमची मार्ट। ये बेसिकली आजकल बहुत वायरल चल रहा है उस आइसक्रीम की वजह से। तो हम अंदर चल के एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पर क्या आइटम्स और क्या प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। तो आइए आपको भी एक्सप्लोर करवाते हैं। ये सारी यहाँ पर जी थाईलैंड, इंडोनेशियन, मलेशियन सारी प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं इधर इन्होंने, और मतलब बहुत अच्छा स्टोर बनाया, नया खुला है अभी। ये कोई बारबेक्यू का आइटम है, चाइनीज सॉसेजेस वगैरह, पता नहीं क्या क्या, केक, फिश बार। हाँ, हलाली होंगी यहाँ पर, आराम तो रख ही नहीं सकते हम। जन आइटम रखे हैं इन्होंने जो कि हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। ये आइसक्रीम है हम जिसकी वजह से यहाँ पर आए हैं, और ये है वो आइसक्रीम। वैरायटी है आइसक्रीम की, ऐसा नहीं कि यहाँ पर नहीं है, और थोड़ा सा इसकी जो प्राइस है वो लिखी नहीं है यहाँ पर, 9.20 की ये है। बाकी ये सारे राइस और कन्फेक्शनरी आइटम रखा हुआ है इधर सारा, जो कि डिफरेंट कोरियन, चाइनीज़ या मतलब ऐसी जगहों का है ये। ये सॉसेज वगैरह रखे हुए इधर, और मतलब खट्टी मीठी चीज़ें रखी हुई हैं। ये कोरियन नूडल्स वगैरह रखे हुए हैं इधर। तो पाकिस्तान की मोस्ट वांटेड चीज़ दिखाता हूँ, ये फायज़ा ब्यूटी क्रीम। क्रीम बीच में से क्रैक लग रही है, तो हम इसको जो है रिप्लेस कर लेते हैं। इसकी जी प्राइस है 18 रियाल। अच्छे लग रहे हैं ये। हाँ, है तो अच्छे। ये तो पबजी के कैरेक्टर है, ये जो है ना पबजी के बीच में कैरेक्टर आया था। ये वाला येलो वाला तो मुझे याद है, ये गंजा, और ये पीछे ब्लू वाला, और ये भी, ये दो, ये ब्लू बाल वाला और पर्पल बालों वाला। बाकी नहीं देखे। ये कितना अच्छा लग रहा है वो बड़ा वाला, बड़ा ये। हाँ, ये कितने, ये 60 बोला, 60 ये ले रहे हम। ये वाला हम ले रहे हैं, ठीक है। ये पबजी के अंदर आया था, पता नहीं।
बाद निकला है बाहर, यहाँ पे अच्छी खासी गर्मी हो रही है और मैं इनसे कह रही हूँ गाड़ी में ट्राई कर लें। देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है मगर अच्छी गर्मी है। अरे कहना क्या चाहते हो? और ये शॉप थी जहाँ हम आए थे और अब हम जा रहे हैं एक और काम से। टाइम फॉर जस्टिस, टाइम फॉर जस्टिस। इसको बिल्कुल मैंगो बना हुआ है। बिल्कुल मैंगो बना हुआ है, आइसक्रीम जो है मैंगो की तरह बनी हुई है, इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है। टूटी भी तो नहीं है? टूटी भी नहीं है, हाँ बीच में क्रैक आया हुआ है इसके। हो सकता है कि गैर बात है, ये फ्रेश तो आ नहीं सकती, मतलब इसको रखा होगा इन्होंने प्रिजर्व करके। बट बहुत प्यारा मैंगो लग रहा है, दिखाएं यूं ही पहले दिखाइए। ये अब देखो, हाय हाय हाय, अरे भाई ये तो पूरा मैंगो लग रहा है। ओह माय गॉड, वाओ। मारो बाइट, मारे सॉलिड है ऊपर से, हाँ क्रीम है। अच्छा है या नहीं आपके? उफ बहुत मजे का। अच्छा हमने अच्छा एक ही लिया ट्राई करने के लिए, क्योंकि हम लोग इतना मीठे के शौकीन नहीं है। अगर तो अच्छा मीठा होता है तो वाकई आइसक्रीम और स्वीट्स जो होती हैं उसमें ज्यादा मीठा होता है, हम लोग ज्यादा अवॉइड ही करते हैं। तो मतलब इसके ऊपर जो है अंदर पूरा आइसक्रीम है और ऊपर से जो कोटिंग की हुई है उन्होंने वो मैंगो टाइप की कुछ कोटिंग की हुई है, जैसा कि आप देख रहे होंगे अंदर से थोड़ा सा खाली है क्योंकि ऊपर ही अलग से मैंगो बनाया है उन्होंने। पर जिस तरीके से मैंगो बनाया हुआ है वो कमाल, एक आर्टिफैक्चुअलेट तरह का कुछ आइटम इन्होंने बनाया हुआ। बहुत क्लोज से दिखाएं थोड़ा हमें, थोड़ा ऊपर करें ना। Yeah. बहुत मजे की आइसक्रीम है। चीज लग रही है अंदर मुझे, चीज तो नहीं है ना? नहीं नॉर्मल आइसक्रीम है पर थोड़ी मीठी है, थोड़ी जैसे यहाँ मिलती है उसी टाइप की मीठी तो नहीं, टाइप की है बस। और ये बस इतनी ही है, मतलब इससे ज्यादा नीचे नहीं है। नीचे इसकी ये जो है स्टिक बनी हुई है, इसको आप पकड़ के जो है बाहर निकाल सकते हैं। हाँ बाहर निकाल के खा भी सकते हैं, पर मैं इसको निकाल नहीं रहा, कोई अजूबा ना हो जाए इसलिए जो है ऐसे ही इसी में खा रहे हैं। तो ये है दोस्तों, आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे ये आइसक्रीम चल रही है जुबैल के अंदर, और ये मार्ट जो है नया खुला है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोरियन प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी। इसके अलावा ऐसा नहीं है सिर्फ कोरियन, बहुत सारे, इसके अलावा चाइना भी है, थाईलैंड भी है, मलेशिया भी है, इंडोनेशिया भी है और जो है जापानीज भी है। तो बेसिकली एक होलसेल रिटेल एक शॉप खुली है और ये नई मार्केट में आई है। उनकी जो चीजें बनी हुई थी हमें कुछ समझ में भी नहीं आ रही थी कुछ चीजें, तो मैंने उन्हें कहा, एक सजेशन दी कि भाई इधर आप जो है ना कंट्री वाइज आपके पास जैसे बाहर बोर्ड लगा हुआ है ऐसे ही प्रोडक्ट के ऊपर भी आप जो है बोर्ड लगाए, एक बताएं कि ये किस मुल्क की कौन सी क्या प्रोडक्ट है, तो उससे अच्छा एक और इम्पैक्ट आएगा। सजेशन दी है, बाकी उनकी मर्जी। उन्होंने कहा नहीं हमारे पास मोस्टली प्रोडक्ट जो है वो कोरिया की है। वहाँ पे ग्लास नूडल्स भी थे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ग्लास नूडल। ग्लास के बने हुए नहीं, वो पकने के बाद बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, नजर नहीं आएंगे कुछ भी। आते हैं नजर मगर कांच के जैसे दिखते हैं, आपने देखा होगा अक्सर। कांच ही तो नहीं है, मुझे अपने घर जाना है। नहीं अक्सर जो है कोरियन लोग जो हैं वो अपनी वीडियोस बनाते हैं वो ज्यादा सारा खाना खाने की, तो उसके अंदर वो यूज करते हैं। अच्छा। इनके सोप्स बहुत अच्छे होते हैं मगर आजकल गर्मी है तो ड्राइनेस ज्यादा बढ़ जाती है। स्किन केयर प्रोडक्ट इनके बहुत अच्छी होती है, बेसिकली ऑर्गेनिक वगैरह हो गए, ऑर्गेनिक आइटम्स बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने अपना हिस्सा खा लिया, अब तुम्हारी बारी है। बहुत ज्यादा है बीबी, खाए आधा करें। आप जब कह रहे हैं कि जहर मीठी है तो मतलब बहुत मीठी है, जहर नहीं कहना चाह रही थी मैं। फ्रेश भी, ऐसा नहीं है कि अगर ये थोड़ा इसको टाइम हुआ होगा वहां से आए जहाँ की ये मैन्युफैक्चरिंग है, तो आइटम जो है मतलब आइसक्रीम जो है वो फ्रेश है। कहना क्या चाहते हैं, आइसक्रीम फ्रेश है। तो दोस्तों जो आइसक्रीम है बहुत मजे की है और वाकई प्राइस इसकी 18 रियाल है, और इसके अलावा भी दूसरी वैरायटी पड़ी थी आइसक्रीम में, तो कुछ बार्स थी, कुछ कोन थी, कुछ मतलब और स्टिक में थी। आपको एक और चीज पसंद आ रही थी वो आई थिंक ब्लूबेरी की, ब्लूबेरी की थी बार में।
वो 9:30 रियाल की थी, बट वो मैंने मना कर दी क्योंकि हमने, मैंने कहा कि यहाँ के मीठे हमने खाए, आइसक्रीम खाई हैं यहाँ की, वो बहुत तेज मीठी होती हैं तो वो अच्छी नहीं लगती मुझे। और फिर हम सोचते हैं कि हम कहाँ कहाँ फेंकें। नॉर्मली जो ऐसी कंट्रीज हैं, चाइना हो गया, थाईलैंड हो गया, या जापान हो गया, या जो और क्या हो गया, कोरिया हो गया, यहाँ पर थोड़ा हलाल फूड में थोड़ा सा मतलब बहुत डिफिकल्ट से मिलता है अगर आप उधर कंट्री में विजिट करते हैं। बट यहाँ तो हलाल रखना पड़ेगा, यहाँ जो भी आइटम आएगा वो हलाल आएगा क्योंकि जो सऊदी गवर्नमेंट है उनका एक चेक होता है हर एक शॉप का, हर एक ग्रोसरी स्टोर या कोई भी स्टोर है, मतलब वो अपना चेक एंड बैलेंस रखते हैं डेली बेसिस पे। अगर कोई भी ऐसी चीज लाई गई जो कि आउट ऑफ स्टैंडर्ड है, उस जगह को फौरन सील कर दिया जाएगा। इसी तरह रेस्टोरेंट भी चेक होता है, रेस्टोरेंट भी, स्पेशली रेस्टोरेंट की जो हाइजीन कंडीशन है उसको बहुत ज्यादा मतलब अच्छे तरीके से देखा जाता है। मिलो, बहुत हो गया, सारी खा जाऊंगा, नहीं तो खाना तो खा जाए, मुझे मसला नहीं है। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं, अपना सफर जारी रखते हैं, एक छोटा सा काम है दूसरा, वो काम करके हम फिर वापस घर जाएंगे। हम आए हैं जी फार्म, फार्म में वैसे तो हमने ब्रेड वगैरह लेनी थी, मिल्क वगैरह, और ट्यूसडे के दिन इधर जो है ऑफर लगी होती है। तो दोस्तों हम लोग फार्म स्टोर से फ्री होकर अभी जस्ट घर के बाहर खड़े हैं, गाड़ी को पार्क किया है, और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, स्पेशली आइसक्रीम के हवाले से जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। जुबैल के अंदर ये एक नया तो कम से कम 2 या 2.5 महीने हो गए हैं उस मार्ट को खुले हुए, तो अच्छी प्रोडक्ट्स रखी हुई उन्होंने। इसके अलावा ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हैं उनके पास और कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स भी हैं, तो आप लोग अच्छी खरीदारी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा, बाइक को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।